हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लैमरस ठिकाना। सो मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नाइट स्किन केयर रूटीन फॉर ड्राई स्किन। ये स्पेशली उनके लिए है जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहती है, एंड डेफिनेटली इस रूटीन को फॉलो करने के बाद जो आपकी ड्राइनेस की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसे ड्राई स्किन केयर प्रोडक्ट जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपके फेस पर किसी भी तरीके का कोई मेकअप अप्लाई है तो सबसे पहले आपको अपने फेस का मेकअप रिमूव करना है। उसके लिए आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं या फिर किसी भी क्लींजर की हेल्प से आप अपने फेस के मेकअप को क्लीन कर लीजिए। स्टेप यहाँ पर आता है किसी भी फेस वॉश से अपने फेस को क्लीन करना। यहाँ पर मैं ममा अर्थ का टी ट्री फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। आप स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही फेस वॉश को यूज़ कीजिए। एंड यहाँ पर जो ममा अर्थ का ये फेस वॉश है, ये स्पेशली है एक्ने एंड पिंपल स्किन के लिए। अगर आपके फेस पर एक्ने और पिंपल जैसी प्रॉब्लम है तो आप इसको एक ट्राई दे सकते हैं। ये आपके एक्ने और पिंपल्स को तो दूर करेगा ही, साथ में ये केमिकल फ्री है। इसके अंदर पैराबिन एंड SLS और हार्मफुल केमिकल्स नहीं ऐड किए गए। अब हमने अपने फेस को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। अब बारी आती है हमें अपने फेस पर टोनर अप्लाई करने की। टोनर को अप्लाई करने का जो मेन मकसद होता है फ्रेंड्स, ये हमारी स्किन के pH बैलेंस को लेवल करता है। साथ ही अगर हमारी स्किन पर टैप वाटर से किसी भी तरीके की कोई बैक्टीरियाज आ गए हैं तो उनको भी ये दूर करने में हेल्पफुल रहता है। यहाँ पर मैं बायोटिक का कुकुम्बर टोनर यूज़ कर रही हूँ। ये स्पेशली ऑयली स्किन के लिए होता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इसके अंदर ड्राई स्किन वाला भी अवेलेबल है। इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। टोनर के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये हमारी स्किन के pH बैलेंस को तो लेवल करता ही है, साथ में अगर हमारी स्किन पर ओपन पोर्स हैं तो उनको ही क्लोज करने में हेल्पफुल रहता है। आपको टोनर का यूज़ डेली करना। नेक्स्ट स्टेप आता है अपने फेस को मॉइस्चराइज करना। किसी भी मॉइस्चराइजर की हेल्प से आप अपने फेस को मॉइस्चराइज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ 3 टाइप ऑफ मॉइस्चराइजर शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला यहाँ पर अनलॉक का मिक्सीफाई सीरम है, जिसको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी यूज़ किया है, एंड इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहती है तो आप एक बार अनलॉक का मिक्सीफाई सीरम ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास है वाओ का एलोवेरा जेल। आप चाहें तो एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। ये स्पेशली उनके लिए होता है जिनकी स्किन ज़्यादा ड्राई नहीं होती। हल्की सी ही मॉइस्चराइजर की जिन्हें ज़रूरत पड़ती है वो वाओ का एलोवेरा जेल भी ट्राई कर सकते हैं। लास्ट यहाँ पर आता है निविया का मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जो आपके लिप्स को साथ ही साथ आपके फेस को मॉइस्चराइज करेगा। ये उनके लिए है जिनकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई रहती है, वो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। डेफिनेटली आपकी स्किन की ड्राइनेस की प्रॉब्लम को दूर करेगा। तो यहाँ पर आप तीनों में से कोई से भी चूज़ कर सकते हैं। एंड ऑफकोर्स इसके अलावा जो भी मॉइस्चराइजर आपके पास ईजिली अवेलेबल हो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। बट मेक श्योर आप नाइट में कोई भी सीरम या मॉइस्चराइजर अप्लाई करके सोते हैं तो वो डबल वर्क करता है, यानी कि आपकी स्किन को बहुत ही अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करता है, साथ में उसको हील करता है और आपकी स्किन पर एक परमानेंट ग्लो बना के रखता है। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट आता है हमारी लिप्स को मॉइस्चराइज करना। सो यहाँ पर मैंने ओरिफ्लेम के स्टैंडर्ड केयर से अपने लिप्स को मॉइस्चराइज किया है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। साथ में ये इतना छोटा सा जो पैक है, इसको आप 1 ईयर तक कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे मॉर्निंग एंड इवनिंग में, ये तब भी आपका ख़त्म नहीं होगा। इसको मैं काफ़ी लंबे समय से यूज़ करती आ रही हूँ, एंड फिलहाल अभी भी इसके अंदर थोड़ा सा अमाउंट बच रहा है, इसके अंदर अभी भी थोड़ा सा अमाउंट बच रहा है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा है, एंड इसके अलावा आप वैसलीन का या कोई अदर लिप मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ में इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और देखने के लिए चैनल ग्लैमरस ठिकानों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एंड इस नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर, टिल देन बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।